ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है, यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है, एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के थर्ड वेव देश और दुनिया में आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने दो वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। प्रदेश में जो अद्यतन स्थिति है वह 1,00,000 से अधिक, प्रदेश के अंदर 1,03,000 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 1,01,000 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 1% से कम लोग हॉस्पिटल में है, और यही स्थिति लखनऊ की भी है। लखनऊ में कुल 2,300 पॉजिटिव केस आज आए हैं, जिसमें 16,300 एक्टिव केस हैं, और अगर हम होम आइसोलेशन का देखेंगे तो 16,200 मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं। तो 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हम लोगों ने 51,37,909 युवकों को ये वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवाई हैं। 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड या किसी बीमारी से ग्रसित उन बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, ऐसे 3 या हेल्थ वर्कर्स को अब तक 3,87,000 की बूस्टर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी इसके लिए एलिजिबल पर्सन थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 14.25 करोड़ यानी 13,75,00,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस फर्स्ट डोज लेने वाले, सेकंड डोज लेने वाले 8,60,00,000 से अधिक लोग प्रदेश के अंदर हैं। और लखनऊ को मैं खास तौर पर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट डोज लेने वाले 100% से अधिक हम लोगों ने इस लक्ष्य को यहाँ पे प्राप्त किया है। हॉस्पिटल में है 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं।
या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग सामान्य ऑक्सीजन में हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं, वेंटिलेटर में भी आने वाले या एचएफएनसी की सुविधा का मैं एचएफएनसी की में बहुत कम लोग आए हैं और यह दिखाता है कि वायरस कमज़ोर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय के प्रतीक है, समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद।